और वही दिल्ली में हवा की क्या हालत है। आतंकी गोपाल चावला पर कहां पर दर्ज हुई एफआईआर, कहां पर पूर्व मंत्री के बेटे ने शराब पीकर मचाया जमकर उत्पात। इंदौर में लड़की को अगवा करने का वीडियो वायरल हुआ है। राज्यों से जुड़ी सभी बड़ी खबरें आप देखिए राज्य टॉप 9। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। कल भी दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में धुंध की मोटी चादर छाई रही। केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड के जारी आंकड़ों को देखें तो 37 में से 24 मॉनिटरिंग सेंटर पर एयर क्वालिटी इंडेक्स गंभीर श्रेणी में रहा। वहीं कुछ इलाकों में एक्यूआई में मामूली सुधार भी देखने को मिला। छत्तीसगढ़ के कोरबा से गुंडागर्दी का वीडियो सामने आया, जिसमें छत्तीसगढ़ के पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर के बेटे संदीप कंवर शराब के नशे में हंगामा करते नजर आ रहा है। संदीप ने यात्रियों के साथ बदसलूकी की और बस के सामने लेट गया। चुनाव आते ही नेताओं का बाबाओं के दरबार में पहुंचना शुरू हो गया। ताजा मामला एमपी की पूर्व मंत्री इमरती देवी का है, जो चुनाव हराने वाले का नाम पूछने पंडोखर सरकार के दरबार में पहुंची। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पाठ नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पाठ कैसे पढ़ाना है सीखिए। एक तो मैं राजनीति बहुत साफ सुथरी करती हूँ, फिर भी मुझे चुनाव कैसे हराया। हराए हुए व्यक्ति का नाम नहीं लिया जाएगा, आपके ही वर्तमान की पार्टी का व्यक्ति है। यूपी में डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। रोज हजारों मरीज अस्पताल पहुंच रहे हैं। गोरखपुर में डेंगू ने सबसे ज्यादा कहर मचाया। यहां ओपीडी में रोजाना 400 से 500 मरीज पहुंच रहे हैं। सीएम योगी ने डेंगू के बढ़ते प्रकोप को रोकने के लिए अधिकारियों को अस्पतालों के निरीक्षण का निर्देश दिया है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण बेहद खराब स्थिति में पहुंच चुका है। घरों से बाहर निकलते ही लोगों का सांस लेना तक दुभर हो गया है। डॉक्टरों ने बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों को कम से कम घरों से बाहर निकलने की सलाह दी है। हमारे पास रोज 10 से 15 मरीज इस तरह की समस्या को लेकर आ रहे हैं और उसमें कुछ लोगों को हमें भर्ती भी करना पड़ता है। मास्क का प्रयोग करें, अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलें, बच्चे और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें। बिहार की गया से दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है, जहां मेगरा के पचमह गांव में भीड़ ने डायन होने के शक में एक महिला को पेट्रोल डालकर जला दिया। डायन कह करके हमारे पत्नी को मार डाले हैं, जला दिए। 200 लोग आए थे, डायन इसको मारो पीटो सब जला दो, घर में जला दिए। बंदरों के आतंक से परेशान यात्रियों को बचाने के लिए बरेली के बस स्टैंड पर एक अनोखा प्रयोग किया जा रहा है। बंदरों को स्टैंड से भगाने के लिए लंगूरों के कटआउट लगाए जा रहे हैं। बंदर बहुत हैं, तो जैसे उनको यात्रियों को भी परेशानी होती है, आम जनता आती है तो डरती है काट न ले, तो दो कटआउट अभी बनवा के लगवाए गए हैं, तो उनसे काफी राहत दिख रही है। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पाठ नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पाठ कैसे पढ़ाना है सीखिए।